ओके गाइस, तो द फाइनल कॉल, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा. सो वी हैव डन आवर बेस्ट एंड अच्छी तरह से करके आएंगे. लास्ट मिनट टिप्स. आई नो अभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, बट रह नहीं पाया. सो जस्ट टेलिंग यू, अटेम्प्ट 100 मार्क्स. फर्स्ट पॉइंट अटेम्प्ट 100 मार्क्स है मेरा. लास्ट पॉइंट राइट इन योर ओन वर्ड्स बट राइट एंड कम. सो प्लीज ये स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखना कि 100 मार्क्स तो अटेम्प्ट करना ही है. कुछ चीजें हो सकता है ना आए तो मैं खुद के लैंग्वेज में लिखकर आऊंगा, बट लिखकर आऊंगा. इवन एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल मार्क मैटर्स फॉर अस. 1.8 मिनट्स है हर मार्क के लिए, तो ध्यान में रखना कि 10 अगर मार्क का क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स अपने को उसमें डालना है. बहुत ज्यादा कोई एक क्वेश्चन में लॉस्ट मत हो जाना. हो रहा है, आधा आ रहा है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, बट एक मोमेंटम चालू रखना. फर्स्ट 15 मिनट्स में 40 मार्क्स जितना आना ही चाहिए आपको, उस हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर दो. सो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहेगा. केस स्टडीज देखना कैसा केस स्टडी है. अगर थियरी ओरिएंटेड लग रहा है तो फिर उसको आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो या सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वी हैव डन आवर बेस्ट एंड ठीक है यार, बाकी तो अब मजे से लिख कर आएंगे. अब बस ऐसे ही सोचना है कि यार पूरे इंडिया में सबसे अच्छा प्रेपरेशन मेरा ही हुआ है एंड मैं जितना अच्छा लिखूंगा उससे अच्छा कोई नहीं लिख सकता. बस वो एक अब कॉन्फिडेंस का बात है. बस अब एक अब बोलते ना लाल करना सीख जाओ और अब वो पेपर में लिख के आ जाओ. चलो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, स्माइलिंग एटीट्यूड रखो, मस्त एकदम रखो कि भाई यस आई एम द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.